नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। पिछले दिनों वो महाराष्ट्र में रहे हैं और महाराष्ट्र के हालात को उन्होंने अच्छे से जाना है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव इस बार किस ओर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। नमस्कार इंद्र, नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में चुनाव है आज। पिछले काफी दिनों से आप महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र का आपने सारा माहौल देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, चाहे मराठवाड़ा की बात करें, चाहे आप मुंबई की बात करें, नागपुर की बात करें, पूरे महाराष्ट्र को आपने घूमा है और देखा है। तो क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, इस बार किस तरह का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में? ऐसे रजिंद्र जी, जो महाराष्ट्र का चुनाव है, मैं ही कहता हूँ, पिछली बार भी कहा था मैंने कि महाराष्ट्र का जो इस बार का चुनाव है वो एक देश को नई दिशा प्रदान करेगा। जी, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हम गए, अर्थ प्रकाश की महाकवरेज भी हुई थी जी, कल को लगाई भी थी हमने जी, कि जहां पर हमारे रिपोर्टर्स ने भी काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों के व्यूज पूछे। दो तरह से चुनाव होता है, एक नेताओं के मुद्दे होते हैं, एक होता है कि वहां की क्या क्या जरूरतें हैं लोगों की, बेसिक नीड्स जो है, लोगों नीड्स है उस पे। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र चुनाव को देखें शुरू से ही, जहां से चुनाव का टेम्पो बनता है, वहीं से मुद्दों के बीच में और बहुत सारी नारे आ गए, जब इनका समावेश हो जाता है तो वो राजनीति के लिए भी हॉरिबल होता है जी। जैसे मैं बताता हूं, जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि आम लोगों को ना नारों से मतलब होता है, उनको ये होता है कि जो सरकार बने, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करे, रोटी कपड़ा और मकान। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वही लोग निर्णायक वोटर होते हैं जी। देखिए ऐसे होता है, डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है जो अपनी मर्जी से फिल्म दिखाना चाहे, एक होता है जो दर्शकों के जो चाहते हैं वो दिखाएं, देश के हिसाब से चीज बनाए। लेकिन वो चीज होनी चाहिए जो दर्शकों दर्शक देखना चाहते हो। लेकिन महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि जो दर्शक देखना चाहते हैं वो दिख नहीं रहा, लेकिन जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहे हैं, या डायरेक्टर का मतलब पॉलिटिकल पार्टी दिखाना चाह रही है, वो मुद्दे बने हैं। तो आपको बताता हूं, जैसे मराठवाड़ा है और उसके बाद आता है विदर्भ, आता है विदर्भ की बात, कोंकण है, बॉम्बे है, कुछ एरिया में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा। ये शुरुआत में बताता हूं, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तो ओबीसी जी ने ये कहा था 15 मिनट, चाहे उन्होंने घड़ी देखकर बताया, चाहे आप कई क्या इंसान वैसे भी कह सकता है रैली के अंदर, लेकिन उसको जब उन्होंने कहा कि अभी 9:45 बजे, 10 बजे में 15 मिनट बाकी है, उसको वहां के लोगों ने जो हैदराबाद में कहा था 15 मिनट वाले के साथ जोड़ दिया गया। तो उसके बाद फिर जब वहां से शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये नारा दे दिया। जी जी, मैं इसी पे आता हूँ धीरे धीरे आगे, मैं हाँ, ये दो चीजें होगी जी। तो इन दो चीजों में, यानी ये दो चीजें इतनी, ये हम कहते हैं हाई लेवल पहुंच गई है कि दूसरे जो नारे हैं वो, जो दूसरे मुद्दे, तो वो लुप्त हो गए। अब जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, जो बटेंगे कटेंगे जो नारा आया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, मैं डॉक्टर साहब इसमें आपको रोकता हूँ एक मिनट के लिए। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम उत्तर भारत की या पूरे भारत की, उत्तर भारत या पूरे भारत की बात करें, तो यहाँ पर नारे और नैरेटिव की बात हमेशा ही कहीं ना कहीं हावी होती है। हमेशा इलेक्शन होते हैं नारों पर और नैरेटिव पर चलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में हमेशा ही चुनाव रहे हैं मुद्दों के ऊपर रहे हैं। लेकिन इस बार जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने ये अशोक चौहान की बात करूं, तो इन सब ने कहा कि ये यूपी नहीं है, महाराष्ट्र है। क्या आपको लगता है कि यही एनडीए जो है उसमें दो फाड़ हो सकता है, या कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जब उनके अपने नेता ही उनके खिलाफ हो जाएंगे तो नुकसान डेफिनेटली होता है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है जो आपने अभी बात कही है जी। लेकिन जब ये नारा हुआ, मैंने पहले भी कहा था, राजनीति के अंदर वक्त स्थान परिस्थिति देखकर चलना चाहिए जी। मैंने पिछले अपनी डिबेट में कहा था, जो हरियाणा हिमाचल है, उत्तराखंड है, वो स्पिनर पीछे हैं, वहां पर
स्पिंदर काम करेंगे, वो फास्ट पीछे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उधर स्पिंदर लगा दिए। बिल्कुल यही बात। तो इसका साइड इफेक्ट कितना आगा वो आज महाराष्ट्र की जनता बताएगी। और यही बात विरोध की, मैं आपको बताता हूं, जो बटेंगे कटेंगे नारा हुआ तो उसके बाद पंकजा मुंडे ने विरोध किया, अजीत पवार जी ने किया, अशोक चौहान जी ने किया जी, भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में वो डर की वोट पोलराइजेशन ना हो जाए वोट की, और जिस जगह से वो खड़ते हैं मराठवाड़ा में विदर्भ, ये पंकजा मुंडे अजीत पवार और ये अशोक चौहान मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम एरिया, वो कह रहे हैं हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। बिल्कुल। अगर इसका सपोर्ट करेंगे तो जब हम सरकार बनाते उसमें सभी लोगों की जरूरत होती है, सभी धर्मों की जरूरत होती है, सभी लोगों की जरूरत होती है, तो वो इसलिए उन्होंने कह दिया। अब अजीत पवार जी ने तो वहां अपने मुस्लिम कैंडिडेट बनाए हुए हैं, जो गठबंधन में जा रहे हैं तो उस समय से ये नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन अगर आप बगैर गठबंधन थे किसी का गठबंधन फिर आप कह सकते हो, लेकिन सहयोगी दलों के यहाँ पर वो दिक्कत हुई। उसके बाद चाहे देवेंद्र फडणवीस जी ने रैलियों में उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन तब वो वक्त निकल चुका था। नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार जो है वो अब तक जो रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी ताकतों के साथ रहे, पार्टी के अपने नेता हैं, अपने नहीं बहुत पुराने नेता हैं जी। और आपको बता दूं और दर्शकों को बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर गोपीनाथ मुंडे प्रमोद महाजन जी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बाला साहब ठाकरे जी का समावेश बनाकर जो स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनका प्रमोद महाजन का बिल्कुल। तो उन्होंने भी कहा, यानी इस नारे को, ये नारा किधर को जाएगा, ये आज साइड होगा। बिल्कुल ठीक है। अब बात करता हूं मैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र में अपनी जमीन तलाश रही है, कहीं ना कहीं वो भी इस बार पार्ट बन रही है महाराष्ट्र की राजनीति का। उन्होंने अखिलेश यादव ने जो बुरके वाली बात कही कि बुरका डाल कर जो औरतें आएंगी उनकी पहचान जो है वो बुरका ना उठाया जाए, उनकी पहचान जो है उसके उनके पहचान पत्र से की जाए, ये कहां तक सही है मुझे बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, धर्म को राजनीति में कभी नहीं आना चाहिए जी। अगर धर्म राजनीति में आता है तो भविष्य के अंदर एक हॉरिबल स्थिति पैदा हो जाती है जी। मैं बिल्कुल इन चीजों पर भी हिंदुस्तान धर्म से नहीं चलते, संविधान से चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और संविधान में एक बात लिखी हुई है कि हम सब बराबर हैं, हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष राज्य है, पहली लाइन है संविधान के अंदर। तो उन्होंने यह मुद्दा उठाया, यानी एक चीज की रिफ्लेक्शन आई उधर से। अगर इन्होंने बटेंगे कटेंगे कहा तो दूसरी तरफ से जो रिफ्लेक्शन आई है इसका मतलब कि वो भी जंग के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जंग आमने सामने जंग है, ये हॉरिबल होता है। धर्म लग है। अच्छा अब आप तो बुरके की बात हुई, चुनाव आयोग तो धर्म के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। संविधान के हिसाब से काम, यूपी के एक मंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा इस बारे में। हाँ, वो अखिलेश जी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ बिल्कुल, उन्होंने लिखा है। अब ये बात बताइए, चुनाव आयोग संविधान के हिसाब से काम करेगा धर्म के हिसाब से करेगा? वो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है राजनीतिक सिस्टम के हिसाब से संविधान के हिसाब से काम करेगा, धर्म के हिसाब से काम क्यों करेगा? अब एक मुझे बताइए, जब ये मुद्दा उठा तो उसके बाद बहुत क्लेश पड़ा, ठीक है। तो दूसरी तरफ कल कल को हिंदू भी कह सकेंगे, क्योंकि राजपूत जो है हिंदू घूंघट पहन के घूंघट पहन के आते हैं, वो कहेंगे हमारा घूंघट हटाओ, ये तो नया मुद्दा बन जाएगा आमने सामने, फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट तो होगी ना, बट ऑब्वियसली बात है। तो उसके बाद जब ये जंग शुरू होगी, अब यहीं पर सिस्टम अस्तित्व हुआ है कि मुद्दों से भटक कर ये चुनाव नारों पर आ गया। अब ये अच्छा, उधर से मौलवी भी आ गए, इधर से हिंदू धर्म के सनातन धर्म खतरे में है। धर्म कौन सा धर्म खतरे में हो सकता है? जैसे जिंदगी मैंने बताया, कभी कोई धर्म खतरे में नहीं होता जी। सभी धर्म ये कहते हैं कि मानवता के हिसाब से चलो, सच बोलो, अपनी नेक कमाई से अपने देश अपने परिवार का पालन पोषण करो। हाँ। सभी लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, बिल्कुल बेसिक नीड है। तो सभी, मैं कहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये धर्म को बीच में समावेश नहीं करना चाहिए। ये मैं इसी पे डॉक्टर साहब बात कर रहा था कि धर्म पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं जो राजनीति और धर्म जो है वो बिल्कुल आपस में मिक्स हो गए हैं। धर्म एक ऐसी चीज है, अगर हम धर्म की बात करेंगे तो फिरका प्रस्ती की ओर जाएंगे, और राजनीति में अगर धर्म आएगा तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए
कहीं ना कहीं खतरनाक होगा। तो आपको क्या लगता है कि धर्म और राजनीति अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ये देश के लिए कितना सही है? धर्म और राजनीति मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। पिछले समय में राजा होते थे, उनके कुलगुरु बैठते थे, लेकिन जब राजा कहता था कि मुझे बताइए कि धर्म क्या कहता है, तब राय देते था। अपनी मर्जी से नहीं कहते थे, उस समय ये नहीं कहते कि धर्म खतरे में है, वो नहीं कहते थे। धर्म का एक सीमित लेवल तक हस्तक्षेप ठीक होता है, लेकिन वो अगर धर्म पूरा ही ओवर रूल कर दे राजनीति को, वो हो रही बात है। तो आपको नहीं लगता कि इस समय जो देश की राजनीति है वो इसी ओर जा रही है? हाँ, इसी तभी तो मैं कह रहा हूँ ये हॉरिबल है फ्यूचर के लिए। अब आपने बुरके की बात की, मैंने कहा जो हिंदू है वो भी कहेंगी कि हम घूंघट डाल के जाएंगे। तो बुरके वाली जो स्टेटमेंट है उसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है, मैं सलूशन बता रहा हूँ अपने दर्शकों को भी और चुनावियों को भी बता रहा हूँ कि अगर चुनावियों ये कह दे इसमें धर्म भी बचेगा, ऐसा रास्ता बताऊंगा कि धर्म भी बचेगा और उनका काम भी ठीक हो, चुनाव योग भी खुश हो जाएगा। उसके लिए चुनाव योग ये कह दे कि जो लेडीज बुर्का पहन के आ रही है या घूंघट पहन के आ रही है, उनकी जो पहचान है वहां पर लेडीज अफसर है, वो देख सकें, चैट्स ना देखें। जी बिल्कुल, ये हाँ, वैसे भी अगर उसके बाद भी कहेंगे कि लेडीज भी नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये हॉरिबल है भविष्य के लिए, क्योंकि लेडीज तो देख सकती है ना, लेडीज बुर्का उठाकर लेडीज का तो देख सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव योग पहचान, चुनाव योग किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि बुरके के आड़ में किसी तरह से या घूंघट की आड़ में कि लोकतंतर का वोट का गलत उपयोग ना हो जाए, ये देखना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, फिर मैं घूम फिर के वही आता हूँ कि ये जो चुनाव है इनका सिनेरियो इस बार किस तरह का बनता जा रहा है, किस तरह का लगता है कि माहौल क्या बनेगा इस बार? देखो माहौल तो आज जनता बताएगी मेन क्या है जी, लेकिन जो मुझे लग रहा है ये चुनाव आमने सामने है जी, जो बना दिया गया है इसका प्रूफ आपने देख लिया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी बात ना होती बुरके वाला मैटर नहीं आना था, नहीं आना था। बिल्कुल ठीक है, साधु संत बीच में कहीं ना कहीं दो सेनाएं खड़ गई, हिंदू मुसलमान। बिल्कुल, और ये डेमोक्रेसी के लिए हॉरिबल है, कहीं ना कहीं खतरनाक है। और इसके लिए मैं आपको एक सजेशन भी बताता हूँ जी, सभी पार्टियों का। आपने देखा जैसे कोई जंग होती है, पिछले समय में भी रूल एंड रेगुलेशन बनते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी यूएनओ के अंदर अगर कोई दूसरी कंट्री सीज फायर कर दे, जैसे परमाणु अटैक नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए राजनीति के भी पैरामीटर होने चाहिए। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां साथ में बैठकर एक अपना एजेंडा तैयार करें चुनाव के लिए, चुनाव करवाने के लिए नहीं, चुनाव करवाएगा चुनाव योग। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बैठकर अपने रूल्स बनाए कि हम इस रूल के अंतर्गत ही हम प्रचार करेंगे, इस रूल को हम ओवरटेक नहीं करेंगे कभी। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से रूल बनाए बैठकर सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तब कुछ हद तक ठीक होगा। मतलब जो राजनीति का है वो धर्म जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। धर्म अलग चीज है, अब धर्म को क्या समझते बताइए पहले। धर्म कहीं ना कहीं आदमी की भावना है। देखिए मैं बताता हूँ जी, धर्म को मानना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के प्रति कट्टर नहीं होना ये हॉरिबल है। देखिए ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि रिजिडिटी जहां भी आ जाएगी वो हॉरिबल है, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर समाज के लिए, इंसान के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं खतरा हो जाता है। अच्छा, खतरे की बात करता हूँ, धर्म के खतरे की बात। अभी मैं पिछले कुछ समय से राजनीति में अक्सर सुनता आया हूँ कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है। अगर हिंदू की बात करूं तो पिछले 2000 साल से भारत पर आक्रमण होते आए हैं, कभी मुगल आ गए, कभी आर्य आ गए, कभी अंग्रेजों ने इस पर राज किया, तब तो कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। अभी कुछ समय से हिंदू क्यों खतरे में आ रहा है? कोई भी खतरे में नहीं है जी, सबसे खतरे में इन पार्टियों के सिंहासन है, पॉलिटिकल पार्टी के सिंहासन को मोड़ कर कह देते हैं धर्म खतरे। धर्म में ना कभी इस्लाम खतरे में था, ना ये खतरे में है, हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में, इस्लाम खतरे में है, तो पर्टिकुलर जगह में क्यों है? वो सारों वर्ल्ड में होना चाहिए खतरे में। बिल्कुल, यानी हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में, सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, और जगह नहीं है, यूएसए में नहीं है, तो कहीं ना कहीं में नहीं है, कहीं ना कहीं अपने अपने द्वारा ना मोड़ कर जनता का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया जाता है। तभी मैं कहता हूँ हॉरिबल है राजनीति के अंदर धर्म का। हाँ, धर्म हो, जो साधु संत है वो धर्म का प्रचार करें, अपने भी धर्मों का प्रचार करें। हाँ, प्रचार करना गलत नहीं है, बिल्कुल। जो आज समाज कला पॉलिटिकल तो नहीं है, मुद्दे बहुत मुद्दे हैं, यूथ को अच्छे पासे लेकर आए,
अपने जो उनके पीर पैगंबर हैं, साधु संत हैं, देवी देवता हैं, जिन्होंने अच्छे रास्ते दिखाए, वो लोगों को बताएं, जागरूक करें धर्म के प्रति, लेकिन कट्टरवाद ना, धर्म का राजनीति करना, हाँ ये हॉरिबल है। और ये चुनाव जो हो रहे हैं तभी एक चिंता का विषय है, तो मैंने आपको काफी तक बताई दो जो महाराष्ट्र का सिनेरियो है। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं धर्म का जो राजनीतिकरण है ये अपने आप में बहुत गलत है। महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार जहां मुद्दे हावी होते हैं, वहां कहीं ना कहीं जो नारे हैं, नारे भी इस बार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो नारे हैं वो इस बार जो महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र के चुनाव है, उनको किस और ले जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।